मध्य प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों कॉलेजों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मोहन यादव सरकार ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक माह पहले भी 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए थे, जो काफी सफल भी माना गया। इस बार 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जिसके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसका तीखा विरोध किया है, तो क्या कुछ है पूरा मामला बताऊंगी आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले शिक्षा की महत्ता बताई थी। भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने ही आए थे, इससे अच्छा सौभाग्यशाली समय कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पर कृष्ण सुदामा की दोस्ती है। भगवान कृष्ण की वीरता के प्रतीक के स्थान को सामने लाने में क्या गलत है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के आदेश दिए हैं। मोहन सरकार के इस आदेश पर अब सियासत तेज हो चुकी है। सरकार के इस आदेश को कांग्रेस ने शिक्षा का धर्मांतरण बता दिया, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसका करारा जवाब भी दिया। वहीं एक वीडियो जारी करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के आशीर्वाद से धन्य भूमि है। प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सांदीपनि आश्रम, नारायण धाम, अमझेरा धाम एवं जाना पाव धाम को सरकार द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सभी मिलकर इन धामों का सुमिरन करें। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम का जवाब। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले शिक्षा की महत्ता बताई थी। भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए थे, इससे अच्छा सौभाग्यशाली समय कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पर कृष्ण सुदामा की दोस्ती है। भगवान कृष्ण की वीरता के प्रतीक के स्थान को सामने लाने में क्या गलत है। उन्होंने आगे कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे तो फिर मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं। मथुरा में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने पर कांग्रेस के लोग मथुरा जाना छोड़ देंगे क्या। ये अश्रद्धा करना है, अटपटी बातें करना है। क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को सभी डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को एक आदेश जारी कर कहा था कि 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर जिले में स्थित कृष्ण मंदिर की साफ सफाई की जाए और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसके अलावा सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों में कृष्ण की शिक्षा, मित्रता और जीवन दर्शन को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाए। कांग्रेस ने क्या ऐतराज जताया। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान शिक्षा का केंद्र है और इसे केवल शिक्षा के लिए ही रहने देना चाहिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद करने के पीछे क्यों लगी हुई है। धार्मिक कार्यक्रम के दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होती है और सभी धर्म के लोग इस दिन को अपने तरीके से मनाते हैं। एक तरफ आप शिक्षण संस्थानों में जन्माष्टमी को अनिवार्य बताते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे मदरसों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा था कि आखिर आप चाहते क्या हैं। आरिफ मसूद ने सवाल पूछा, आखिर आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदू धर्म के त्योहारों को प्राथमिकता दे रहे हैं तो मुस्लिम के त्योहारों को भी मानना चाहिए, ईद गुरु पर्व भी मनाना चाहिए। जब सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित है तो स्कूलों में आयोजन कराने का क्या मतलब है। एक तरफ सरकार मदरसों को लेकर कुछ और कहती है और स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने का सरकारी आदेश जारी करती है। यह आदेश संविधान के विरुद्ध है, लेकिन इस आदेश को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें आजादी देता है कि हम कौन सा त्योहार मनाए और कौन सा नहीं। वैसे भी हम सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ऐसा कोई
पहली बार नहीं हुआ है जब इन्हें ऐसे कार्यक्रमों से दिक्कत हुई है। अब कृष्ण जन्माष्टमी का जिक्र हुआ ही है तो याद कीजिए कृष्ण जन्मभूमि का वो विवाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का केस अदालत में राजनीतिक रंग लेता हमेशा दिखा है। एक केस के वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र महेश्वरी ने अदालत में को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत कांग्रेस ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर साल 1968 में शाही ईदगाह पक्ष से राजीनामा किया था। इस राजीनामा का श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को कोई अधिकार ही नहीं था। श्री कृष्ण जन्म स्थान का मुख्य श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट था। इस राजनामा में ट्रस्ट कहीं शामिल नहीं था। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ के अध्यक्ष बिहार के राज्यपाल और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एम ए अयंगर और अन्य सदस्यों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र और लोकसभा सांसद गजाधर सोमानी शामिल थे, जबकि शाही ईदगाह पक्ष में 34 प्रतिवादी भी कांग्रेस में उच्च पदस्थ थे। इस प्रकार से साल 1968 में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये राजीनामा करवाया गया था। बाद में 1973 में इसे षड्यंत्र पूर्वक डिक्री कराया लिया गया। वहीं वादी ने अदालत से डिक्री शून्य करने की मांग भी की थी। इसके लिए उनकी ओर से 5 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया एक निर्णय भी रखा गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी देवोत्तर संपत्ति या विग्रह की संपत्ति को किसी भी व्यक्ति या संस्था को ना तो विक्रय किया जा सकता है और ना ही लीज पर दिया जा सकता है। अधिवक्ता ने राजीनामा निरस्त करने की भी मांग की है। एडवोकेट राजेंद्र महेश्वरी ने बताया कि 30 सितंबर को अग्रिम तारीख थी। अन्य केसों में भी लगी तारीख। वही एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले में बताया कि एक और इसके अलावा अन्य केसों में भी सुनवाई की अगली तारीख 30 सितंबर तय की गई है। नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव, पंकज शास्त्री और लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह आदि ने दायर वाद में भी तारीख दी थी। कब दाखिल की गई याचिकाएं। वही साल 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री और 7 अन्य पक्षकारों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया था। ये याचिका शुरुआत में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दी थी, बाद में जिला अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना। 2.5 साल के समय के बाद उसी अदालत में अतिरिक्त 17 याचिकाएं दायर की गई। चूंकि मथुरा जिला अदालत में ही इन याचिकाओं पर अलग अलग निचली अदालत विभिन्न चरणों में सुनवाई कर रही थी, मामले की संवेदनशीलता और महत्व को देखते हुए हिंदू पक्षकारों की अर्जी पर मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समेकित निर्णय के लिए सभी 18 याचिकाएं अपने पास तलब की थी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर ऐतराज जताते हुए इन्हें खारिज करने की गुहार भी लगाई थी। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया है कि ये सभी 18 अर्जियां लचर आधार और दलीलों पर दाखिल की गई, लिहाजा सुनवाई योग्य ही नहीं है। एडवोकेट कमीशन पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया। इससे पहले 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन के गठन वाले आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता समेत विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रोक वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें क्या है। इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना
ठीक नहीं, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। उपासना स्थल कानूनी यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। लिमिटेशन एक्ट और वफ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए। इस विवाद की सुनवाई वफ ट्रिब्यूनल में हो, ये सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला है ही नहीं। हिंदू पक्षकारों की दलीलें हैं क्या? ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू ही नहीं होता है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। वहीं जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वह बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वह संपत्ति घोषित कर दिया है। भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। ASI ने इसे नजूल भूमि माना है, इसे वह संपत्ति नहीं कह सकते। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर ये किसके पक्ष में है। लेकिन आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।